पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 11 बजे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सोसाइटी यानी सीएसआईआर सोसाइटी की एक बैठक करेंगे। पीएम दफ्तर की ओर से जारी बयान में बताया गया कि पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएसआईआर सोसाइटी विज्ञान और औद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करने वाली वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का हिस्सा है। इस बैठक में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री समेत कई वैज्ञानिक, उद्योगपति और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। स्पुतनिक वी बनाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार से मंजूरी मांगी। खबर है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने भी देश में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को बनाने के लिए सरकार से इजाजत मांगी। इससे पहले देश में डॉक्टर रेड्डीज लैब स्पुतनिक वी वैक्सीन को बनाने का काम शुरू कर चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद में 9 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। 9 जगह पे ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हो रहा है। CBSE ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित करने के लिए तैयारी तेज कर दी। इसके लिए उसने स्कूलों से जल्द छात्रों का डेटा भेजने को कहा। साथ ही CBSE ने फिर ये साफ कर दिया कि जो छात्र परीक्षा देना चाहते हैं वो हालात सामान्य होने पर परीक्षा दे सकते हैं। 12वीं की परीक्षा का परिणाम किन किन पैमानों पर निकल करके सामने आएगा, लगभग 2 हफ्ते का समय लगेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोरोना नियम तोड़ने के आरोप में कई ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के चालान काटे गए। आरोप है कि ये ड्राइवर अक्सर यात्रियों की तलाश में प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं। इस दौरान न तो ये कोरोना नियमों का ध्यान रखते हैं और न ही एक दूसरे से जरूरी दूरी का। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने कश्मीर में LOC के पास वाले इलाकों का दौरा किया और वहां तैनात जवानों से बात की। हरियाणा के PGIMS रोहतक में राम रहीम के इलाज की वजह से दूसरे मरीजों ने परेशानी की शिकायत की। रेप मामले में सजा काट रहे राम रहीम को पेट दर्द की शिकायत के बाद सुनारिया जेल से अस्पताल लाया गया था। आया हुआ था बाबा बाबा कोई राम रहीम होगा, अब वो आया था उसके चक्कर में और जनता बाहर खड़ी कर रखी थी। भारी सुरक्षा के बीच इलाज के लिए पहुंचे राम रहीम की वजह से अस्पताल में करीब 1 घंटे तक OPD रोक दी गई। राम रहीम आ रहे थे उसके चलते काफी लोगों को परेशानी भी हुई है। उसके जाने के बाद में गेट ओपन करे हैं, फिर जाकर के अपना नंबर वगैरह लगाया। UP के हरदोई में समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। इन कार्यकर्ताओं ने लगातार बढ़ रही महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार माना और इसके विरोध में सड़क किनारे बैठकर केंद्र के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जमीन पर बैठे इन प्रदर्शनकारियों में एक ने अपने गले में सरसों के तेल की बोतलों से बनी माला पहन रखी थी, जबकि बाकी लोग अपने सामने थालियों में रोटियां रखकर सरकार से बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की मांग करते दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस भी पहुंची, उसने सभी कार्यकर्ताओं को वहां से हटा लिया। इस बीच इन लोगों ने पुलिस अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। इन महंगाई वापस लो, वापस लो, वापस लो, सब्जी राशन महंगाई वापस लो, वापस लो, वापस लो। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस की मौजूदगी में ही 2 गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि छेड़छाड़ की पुलिस को शिकायत करने पर दूसरे गुट के लोग भड़क गए और उन्होंने शिकायत करने वाले पक्ष पर हमला बोल दिया। सामने आई तस्वीरों में वहां कुछ लोग एक आदमी पर लाठियां बरसाते दिखे। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन हमलावरों ने तब भी उसे नहीं छोड़ा। बाद में दूसरी तरफ के लोगों ने भी पलटवार किया। जिस वक्त यह हंगामा चल रहा था, पुलिस भी वहां मौजूद थी, लेकिन हमलावरों पर उसका भी कोई खौफ नहीं दिखा। एक महिला पुलिस वालों से अपने भाई को बचाने की गुहार लगाती दिखी। ये पुलिस वाले छेड़छाड़ की शिकायत पर जांच करने पहुंचे थे, लेकिन उनके सामने ही दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। हमारे घर के बाहर सबने बुरी तरह मारा। इस झड़प में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मारपीट में कुछ महिलाओं को भी चोटें आईं। मुंबई के गोरेगांव इलाके में बनाए गए कोविड सेंटर के अंदर मरीजों और डॉक्टरों का तनाव दूर करने के लिए अनोखी पहल की गई। ये कोविड सेंटर पिछले साल जून में बनाया गया था, जिसके 1 साल पूरे होने के मौके पर वहां डॉक्टरों और मरीजों के लिए डांस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोविड सेंटर के अंदर लाउड स्पीकर पर गाने बजाए गए, जिनकी धुन पर वहां मौजूद सभी डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी झूम उठे। PPE किट पहने स्वास्थ्यकर्मियों और डॉक्टरों के साथ वहां भर्ती मरीजों ने भी खूब मस्ती की।
ज्यादातर लोगों ने डांस करके अपना तनाव दूर करने की कोशिश की, जबकि कुछ ने बाकी लोगों के डांस का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड